नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में बाइंग करनी है एंड कल कौन से निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ विच इज़ कार्बोनेंडम यूनिवर्सल। ये स्टॉक आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक आप लोगों को बहुत टाइम पहले भी रिकमेंड करा गया था जब ये एक ब्रेकआउट आया था 305 के आसपास का। एंड जो मेरा अक्टूबर नवंबर वाला बैच था उसमें भी हम लोगों ने ये वाला स्टॉक रिकमेंड करा था। ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये स्टॉक करता क्या है, एक शार्प अपमूव आती है, एक रेंज के अंदर काम करता है एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, फिर एक रेंज के अंदर काम करता है उसके बाद दोबारा एक ब्रेकआउट देता है एंड राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग इन अ रेंज एंड इट्स ऑलरेडी गेव अ ब्रेकआउट। यस, इसने एक रेंज के अंदर काम करके ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे है ये, ठीक है। सो 390 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है सो इट कैन मेक अ न्यू हाई एज वेल। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप डेफिनेटली ट्रेड करके चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक। HDFC बैंक भी एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है एंड इस रेंज का इसने आप देख सकते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, या आप देखिएगा एक शार्प अपमूव आई एंड शार्प अपमूव के बाद ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। इट्स अ सप्लाई जोन, ठीक है, एंड दिस इज डिमांड जोन। ओके, सो डिमांड जोन में जब भी आते हैं हम एक बाइंग देखते हैं। सेकेंड टाइम भी एक बाइंग आई एंड थर्ड टाइम भी इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके ऊपर हमें गैप अप देखने को मिला। ओके, सो या देयर इज अ कंफर्मेशन कि एक बाइंग आ सकती है। ये जो स्ट्रांग रेड कैंडल है इसका एग्जैक्ट ये मिड 50 पे खड़ा हुआ है। एक स्ट्रांग रेड कैंडल जो ये बनाई है इसके मिड 50% पे कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बाइंग आ सकती है इसके अंदर और टारगेट हमारा रेड कैंडल का टॉप होगा। यस, सो इसके ऊपर हम लोग एक बाइंग इनिशिएट करेंगे। विच लेवल इज दिस, 1400 के ऊपर एक बाइंग लेवल इनिशिएट करेंगे एंड आवर टारगेट शुड बी 1420। ओके, या और नेक्स्ट स्टॉक शुड बी VBL, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इट गेव अ मल्टीपल ब्रेकआउट। यहां पर इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, अगर आप लोगों को प्रीवियस चार्ट्स दिखेगा। उसके बाद ऊपर गया, यहां पर हॉल्ट करा, नीचे आया एंड एग्जैक्ट एक शार्प मूवमेंट भी, हॉल्ट भी उसी लेवल पे करा जिस लेवल पे आप देख सकते हैं कि वहां से एक बाउंस आया था। ये एक शार्प अप मूव आई, स्टॉक नीचे आया एंड दोबारा ऊपर गया, इसी लेवल पे हॉल्ट करा एंड एक बार दोबारा अप मूव दिखाई। यस, उसके बाद दोबारा स्टॉक नीचे आया, एग्जैक्ट इसी लेवल पे हॉल्ट करा। देखिए नीचे विक्स तो बनाई है कंटिन्यूसली इसने, बट इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली हमें एंड दो कैंडल के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दे दी है। सो अगर ये 920 के ऊपर जाता है तो एक प्रॉबेबली एक नया हाई ये बना सकता है। तो स्टॉक को जरूर अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेगा, ये दो तीन दिन के अंदर आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज आयोनेक एक्सचेंज। यस, सो इस स्टॉक पे अगर मैं आप लोगों को रीसेट करके दिखाता हूं, देखिएगा ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर चल रहा है ये स्टॉक एंड इसने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर आपको दिख रहा होगा, इट्स अ कप एंड इट्स एन हैंडल। सो इसका हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है इस लेवल पे। सो यस, डेफिनेटली इस लेवल पे एक बाइंग आ सकती है एंड ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और रेंज के एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है। तो इसका जो टारगेट होगा वो रेंज का हायर साइड होगा विच इज प्रॉबली आई कैन सी 920 से लेकर 940 के आसपास तक का। सो डेफिनेटली स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। कल ये लेवल में सस्टेन करता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग इसके अंदर भी आ सकती है। आवर लास्ट स्टॉक शुड बी एपटेक। एपटेक के अंदर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक मेरे पास बहुत टाइम से वॉच लिस्ट के अंदर है और प्रोबेबली इट गेव अ ब्रेकआउट टुडे इन यस्टरडे ऑन फ्राइडे सेशन। सो आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर ये आ चुका है एंड देयर इज अ बाइंग एज वेल। तो यहां पर हम लोग एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 153 के आसपास। अ टारगेट शुड बी 170 एंड अ स्टॉप लॉस शुड बी 143। दिस इज शुड बी माय स्टॉप लॉस बिकॉज आई बॉट इट एट ऑन फ्राइडे। तो यहां पर मेरा ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड ये मेरा टारगेट है। सो डेफिनेटली यहां पर एक बाइंग आप लोगों को भी मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो इसको भी आप वॉच करके चल सकते हैं। ओके,
सो लेट मी शो यू निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल. सो निफ्टी अपने एग्जैक्ट उसी लेवल पे आया था जिस लेवल पे हम लोगों ने बात करी थी. सॉरी मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाया था वो, बट जो मैंने लाइव सेशन लिया था उस लाइव सेशन पे आई हैव टोल्ड देम कि यहीं तक इसका टारगेट है एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ बाय यही हमारा टारगेट होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि ये जो एक कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उस कैंडल ये एक रेंज बन गई थी. इस रेंज का ब्रेकडाउन होता तो वी गो फॉर अ सेल, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो वी गो फॉर अ बाय. सो इस रेंज के बॉटम में आएगा तो हमारे लिए बाय है, इस रेंज के टॉप पे हम लोग एग्जिट कर देंगे. एग्जैक्ट वहां तक गया, उसके बाद वहां पर हमें एक शॉर्ट देखने को मिला. एंड व्हाई वी टोल्ड दिस, ठीक है, हम लोगों ने ये बात आप लोगों को कैसे एडवांस में बताई. देखें, आप कोई भी चीज अगर एनालिसिस करते हो, कोई भी चीज अगर आप ले लो, यू हैव टू बैक टेस्ट. आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है अगर ये चीजें बनती हैं, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नहीं है? डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अब आप देखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ये बनी है, एग्जैक्ट इसके नीचे इसने कोई भी क्लोजिंग दी नहीं दी, उसके ऊपर आया, एग्जैक्ट इसी लेवल पर यहां पर एक रेड कैंडल बनाई, ये रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया. एग्जैक्ट यहां पर भी सेम सिनेरियो हुआ. अब देखिए, एक चीज तो कुछ नहीं बताएगी, पीछे भी चलते हैं, आइए, ठीक है. पीछे भी यहां पर क्या हुआ, एक शार्प रेड कैंडल आई, यही इसका रेजिस्टेंस रहा, जो टॉप था वही इसका रेजिस्टेंस रहा, वहां तक गया, उसके बाद हम लोगों ने एक फॉल देखा, ठीक है. उसके बाद दोबारा रिकवर करके ये ऊपर भी चला गया, ठीक है. अगर चलिए यहां पर अगर आप लोग नहीं मानते तो शायद एक रेड कैंडल तो हमें और भी देखने को मिल सकती है. देखिए, एक रेड कैंडल और देखी, ये नीचे आया, एग्जैक्ट ऊपर तक गया 50% तक. अभी मैंने आप लोगों को जो एक स्टॉक रिकमेंड करा था HDFC बैंक, मैंने आपको बताया था 50% के ऊपर ही बाइंग बनेगी, ये भी 50% के ऊपर नहीं जा पाया तो एक सेल ऑफ आ गया. ओके, सो अगर आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तभी आप लोग मार्केट पे एक सिनेरियो को समझ सकते हैं कि हमारा प्योरली टारगेट क्या है एंड हमारा प्योरली प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स कौन से हैं, ठीक है. सो अगर ये कल इस लेवल को ब्रेक करती है गैप अप के साथ तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय, बट अगर इसी लेवल से नीचे आती, इस लेवल पे खुलता है और नीचे आ रहा होता है, सो आई कैन गो फॉर अ शॉर्ट एज वेल, ठीक है. अगर गैप अप मिलता है तो मैं बाय करूंगा, बट अगर इसी लेवल पे खुल के नीचे आ रहा होता है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है. 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखाऊं मैं आप, अगर आप लोगों को एक सेकंड में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा. देखिएगा, इसी लेवल पे आया स्टॉक, सी यहां पर रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट इधर भी रेजिस्टेंस एंड इधर भी इसने रेजिस्टेंस लिया और यहां से नीचे आ रहा है. सो यस, अगर ये वाला लाइन ब्रेक करता है, विच लेवल इज दिस, 13,730 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट एज वेल, ठीक है. सो बैंक निफ्टी की बात कर लें, बैंक निफ्टी भी अब एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस से नीचे आया है. बैंक निफ्टी को भी दिखा देते हैं. देखिए, बैंक निफ्टी चेक करिए, बैंक निफ्टी ने भी यही करा, एक शार्प फॉल आई, एग्जैक्ट इसी लेवल पे रीटेस्ट करा और यहां से एक शार्प फॉल देखिए, दूसरी बार यहीं पर इसी लेवल पे आया फ्राइडे को एंड इधर से एक फॉल देखा. अगर ये लेवल ब्रेक करता है, विच लेवल इज दिस, इट्स 30,250 को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इस पर भी एक फॉल आ सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 30,000. बट अगर ये इसी लेवल को ब्रेक कर देता है, विच लेवल इज दिस, 30,570 को, तो यहां पर एक बाइंग भी इनिशिएट हो सकती है, ठीक है. सो वॉच करेगा, अगर एक गैप अप होता है तो डेफिनेटली वी गो फॉर अ बाय, बट अगर एक इसी लेवल पर खुल के नीचे आ रहा होता है तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट एज वेल. ओके, सो गाइज, मैंने दो स्टॉक्स की एक एनालिसिस डाल रखी है जो कि हम लोग 6 महीने तक बाय कर सकते हैं. कोई भी डिप आए उस पर बाय करिएगा एंड करंट लेवल्स पे भी वो स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं. सो आई एम बाइंग इट टुमारो, बट डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड इस वीडियो पे देख सकते हैं. यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा ये वीडियो का लिंक, आप यहाँ पर भी आके चेक कर सकते हैं. ओके, सो बाय, गुड नाइट गाइज एंड वील मीट टुमारो.